हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे पास एक हायर का सेट है जो कि पैनल प्रॉब्लम के लिए आया था। इसमें डबल मेज की प्रॉब्लम थी जो मैंने इसकी सॉल्व की है, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें ये हायर का सेट है, पर इसमें जो पैनल यूज़ किया गया है वो LG का है। LG का पैनल है, ठीक है। पहले तो मैंने अपना ये देखिए, इस साइड से मैंने ट्रैक कट किए थे पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये देखिए, कैमरा पास में लेके आइए। यहाँ से मैंने ट्रैक कट किए पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा से जंपर मार दिए। फिर मैंने इस साइड से किए, ये देखिए मैंने इस साइड से फिर किए थे, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैंने दोबारा से जंपर मार दिया। फिर मैंने अपना जो एक ट्रिक आजमाई इसमें, जो मैं हर एक पैनल में जैसे करता हूँ, मैंने इसका ओड और इवन बाईपास कर दिया तो मेरा पैनल A1 हो गया। ये देखिए, आपको चला के चेक कराता हूँ। ये हमने प्लग इन किया, देखिए सेट हमारा ऑन हुआ। और ये देखिए, एक मिनट देखिए, रुकिए, हमारा तार निकल गया बिजली का, इसलिए दिखा नहीं कुछ। एक मिनट दोबारा से लगाता हूँ। ये देखिए, हमारा सेट ऑन हुआ। ये देखिए, हायर लिखा आया और हमारा सेट A1 हो गया। बस इसमें ये ट्रैक शॉर्ट है इसलिए ये लाइनिंग सी आ रही है बस, बाकी हमारा पैनल A1 हो गया। ये देखिए, पैनल A1 रिपेयर हो गया इसका। बस एक छोटी सी ट्रिक और एक छोटा सा बाईपास मेथड की वजह से हमारा सेट A1 हो गया। हमने ओड और इवन को बाईपास कर दिया। इसके ओड और इवन दोनों साइड होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड किया था पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जब इस साइड मैंने किया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हमारा सेट A1 हो गया।